सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हल्की बारिश के बीचों बीच मुल्क भर की तरह जिला पुंछ में भी योम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इसकी बहुत सारी तकरीबात पुंछ में मुनक्किद की गई। सबसे बड़ी तकरीब पुंछ सदर मकाम में मुनक्किद की गई, जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन पुंछ ताजी मख्तर की जानिब से परचम कुशाई की गई। वहां पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ के अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान तमाम मौजूद रहे। उसके अलावा जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं उनकी जानिब से सब डिवीजन में परचम कुशाई की गई और वहाँ पर जश्न मनाया गया। जिस तरीके से मेंडर है, सुरन कोट है और तहसील लेवल पर तहसीलदार की जानिब से परचम कुशाई की गई, नियाबत में नायब तहसीलदार की जानिब से परचम कुशाई की गई और जश्न को जो है वो अभी भी मनाया जा रहा है। जब तक आप तक वीडियो पहुँचेगी तब तक ये जश्न जो है, ये प्रोग्राम जो है, ये ख़त्म हो गए होंगे। वहीं आपको ये बताते चले कि सरकारी हुक्म के ऐन मुताबिक तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में योम आज़ादी का जश्न जो है वो मनाया गया है और इन बिल्डिंग्स पर जो है वो परचम कुशाई की गई है। चूंकि इस वक्त हम तहसील मंडी में मौजूद हैं तो यहाँ पर तहसीलदार मंडी अशफाक हुसैन की जानिब से परचम कुशाई की गई है और इस वक्त यहाँ पर तमदनी प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। सबसे पहले इस तरफ कैमरामैन दिखाएंगे तो आप कैमरा में देख पाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो शामिल हुए हैं। इनमें जो फॉर्मर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी हैं, पुलिस के एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी और दिगर सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकार जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बच्चे जो ये तमंतनी प्रोग्राम जो है वो पेश कर रहे हैं। इसके अलावा नौजवानों की बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो इस जश्न में जो है वो हो रही है। इस जश्न से यकजहती का पैगाम जाता है, जो कि आज से 78 साल कबल 1947 में इसी रोज जो है मुल्क को आज़ादी जो है वो नसीब हुई थी और फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने तगो दियो की, जिन्होंने मेहनत की, जिनका खून रंग लाया और मुल्क आज़ाद हुआ और आज भी हम उस वजह से सर बुलंद होकर अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी बताते चले कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन ताजीम अख्तर हैं, उनकी जानिब से जो सलामी है वो ली गई है। तहसील मंडी में तहसीलदार की जानिब से, ऐसे सब डिविजन लेवल पर जो है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, नियाबत में नायब तहसीलदार की जानिब से सलामी जो है वो ली गई है। पूरे इस एरिया की तरफ कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो ये तमाम लोग और तमाम बच्चे ये जो है मुख्तलिफ स्कूल से और मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं और स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये परेड यहाँ तहसील मंडी के कमोबेश तमाम जो स्कूल्स हैं इन स्कूल्स की जानिब से यहाँ पर परेड की गई है और जो मेहमान खसूसी जिन्होंने आज परचम जो है परचम कुशाई की है तहसीलदार मंडी, उन्हें सलामी दी गई, उन्होंने ये सलामी ली। इनके साथ जो SI शाम है, श्याम लाल, वो साथ थे, उन्होंने भी सलामी ली है और इस तरीके से खुशोखुर्रम तरीके से नहायती जोशो खरोश के साथ ज़िला पुंछ के तमाम इलाकों में, चूँकि हमने रिपोर्ट्स हासिल की हैं तो इसमें न सिर्फ मंडी बल्कि पुंछ सदर मकाम, सुरन कोट, मेंडर, मनकोट और भी जितने भी इलाके, जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी इदारे हैं उनकी बिल्डिंग्स पर परचम कुशाई भी की गई और साथ ही साथ जो मेन इवेंट्स हैं इन पर VIPs की जानिब से सलामी जो है वो ली गई है। इस तरीके से पूरे मुल्क में जो है जो मैं आज़ादी का जश्न रियायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया है। वहीं आपको बताते चले यहीं से कुछ ही दूरी पर बुड्ढा अमरनाथ मंदिर है जहां पर सालाना यात्रा का सिलसिला अभी भी जारी है और सालाना यात्रा का सिलसिला जो पहले रोज से शुरू होता है उसे वेलकम जो है यहाँ का मुस्लिम समाज करता है। तो इस तरीके से आप देश के मुल्क के आखिरी तहसील से यकजहती का, भाईचारे का पैगाम जो है पूरे मुल्क के लिए देख सकते हैं। तो एक आखिरी तस्वीरें इस तरफ दिखाएंगे कैमरामैन, तो इस वक्त तमाम जो VIPs हैं या आम लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस वक्त तमदनी प्रोग्राम जो है यहाँ पर चल रहा है। इस तरीके से जहाँ पूरे मुल्क में योम आज़ादी का जश्न जो है वो मनाया गया, वहीं पर जो है ज़िला पुंछ में जो योम आज़ादी है उसे नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया और हल्की बारिश में इसका ज़्यादा ही लुत्फ जो है वो आया है और तमाम लोग खुशी मना रहे हैं कि आज ही के रोज़ 1947 में फ्रीडम फाइटर्स और तमाम वो अफराद जिन्होंने तगो दोगी, जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की, उस कुर्बानी के नतीजे में आज हम सर बुलंद होकर आज़ादी मना रहे हैं और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। देखते रहे पुंछ टाइम्स, पुंछ टाइम्स के लिए कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ वसीम हैदरी।